घर से कोसों दूर रहने वाले कश्मीर के मजदूरों को अपने परिवारों की चिंता सता रही है। कर्फ्यू के दौरान अपने परिवारों से पूरा कनेक्शन टूट जाने के चलते कश्मीरी मजदूरों ने कोरोना बीमारी में अपने परिवारों के कुशल क्षेम जानने की गुहार लगाई है। बता दें कि कई दशकों से हमीरपुर समेत हिमाचल में कश्मीरी मजदूर दिहाड़ी मजदूरी के लिए आते हैं और कश्मीर से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित गाँव गुजरान में मोबाइल टावर नहीं होने के चलते घरों में बातचीत नहीं हो पा रही है। कोरोना बीमारी के चलते कर्फ्यू और लॉकडाउन में एसटीडी तक पहुंचना भी मुनासिब नहीं है। ऐसे में कश्मीरी मजदूरों की चिंताएं अपने परिवार के प्रति दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दिलावर खान ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस कारण अपने घरों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि क्वार्टर में सरकार के द्वारा खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन अपने घरों में बात नहीं होने की चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीर से 250 किलोमीटर दूर गांव गुजरान में मोबाइल टावर तक नहीं है, जिस कारण अपने परिवारजनों से फोन पर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से जब से कर्फ्यू लगा है, बाकी तो हम सर ठीक है। यहाँ कोई हमारे को ये नहीं है, राशन के बारे में भी यहाँ हमारे को राशन भी मिला, जैसे पंचायत वालों ने हमारे को राशन भी दिया, तो ऐसे हमारे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने भी है बड़े लोग हैं, कोई दुकानदार है, हमारे को कोई फोन के जरिए पूछते हैं राशन है, आपको पैसा नहीं है तो आप हमारे को बता दीजिए। तो हमारे को शुक्रिया इन हमीरपुर वालों से कि हमारी देखभाल कर रहे हैं। बाकी हमारा घर का टेंशन, घर से कोई फोन के जरिए कोई बातचीत नहीं हो रही। आज 3-4 महीना हो गया हमको कोई फोन नहीं हो रही। पहले सेंटर कोर्ट ने हमारे को हर गांव में एसटीडी दिया था, वो एसटीडी आज 5-6 महीना हो गया वो बंद पड़ी है। तब से हमारे को कोई रब्ता नहीं है, कौन मरा है कौन जिंदा है। बाकी हमारी बहुत परेशानी है वहाँ, इसलिए परेशान है कि वहाँ ये बीमारी की वजह से कि वहाँ क्या पता वो लोगों को क्या हाल है क्या नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी होगी हमारी वहाँ तक चैनल में पहुँच जाए ये दो गुलशन उर्दू और कौन सा ई टी वी में, हाँ ये दो चैनल आ रहे हैं, इसमें हमारी संदेशा भेजिए सर। तो बाकी हमारा ये है कि हम यहाँ आराम से बैठे, कोई हमारे को ना तंगी है ना कुछ है। तो यहाँ जितने भी हम आल हिमाचल में हमारे जितने भी भाई हैं, सबसे हमारा वास्ता हो रहा है, यहाँ फोन चलता है, सब ठीक है। मेरे बच्चे हैं श्रीनगर में पढ़ रहे, वो भी कई कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में छुट्टी हो गई है, वहाँ हॉस्टल बंद पड़े, वहाँ भी वो कई घर में जाके बैठे, वो भी आराम से बैठे हैं, उनका कोई फिक्र नहीं करना है। हमारे घर में यही संदेशा देना है, बाकी हम सब लोग यहाँ अच्छे इससे बैठे। बाकी बस शुक्रिया सर, यहाँ हमारे को जानने वाले हैं, मैं भी 1979 से लेके आज तक यहाँ काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। मजदूर कासिम मीर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोई चिंता नहीं है और सिर्फ घर में ही बात नहीं हो पाने की चिंता सता रही है। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि गुरेज सेक्टर में भी मोबाइल टावर लगाए जाएं। मांग यही है सर, हमें वहाँ कोई टावर की ये सुविधा नहीं है और हम चाहते हैं वहाँ टावर भी लगे, गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है हमारा। और हम तो यहाँ सुरक्षित है सर, और हमें यहाँ जब घर में बात नहीं हो रही है सर, और हमारा यही इल्तिजा है कि हमें वहाँ टावर होना चाहिए, और गवर्नमेंट से इल्तिजा है ये कि हमें यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि हम घर में जाना चाहते हैं, घर वालों से मिलना चाहते हैं। और गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारा कोई ये तो हमारे को जब से ये कर्फ्यू लगा है यहाँ पे कोई ये रोज़गार तो है ही नहीं, हम तो जेब से जो है जेब से खा रहे हैं सर। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें यहाँ से निकालना चाहिए, हम जितने बंदे हैं यहाँ श्रीनगर के बंदे, यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार लोग बेरोज़गार है सर, सारे यहाँ तो आए थे हम मजदूरी के लिए, तो यहाँ वो भी नहीं हो रही, क्योंकि हम यही मोदी साहब से अपील करते हैं कि हमें यहाँ से निकालना चाहिए। एक अन्य मजदूर ने बताया कि 1970 से हमीरपुर में दिहाड़ी के लिए आ रहे हैं और कोई दिक्कत यहाँ पे पेश नहीं आती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा राशन पूरा दिया जा रहा है। हमीरपुर में 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूर रहते हैं और कर्फ्यू के दौरान ही घर में बात नहीं हो पा रही है। मजदूरों ने मांग की है कि कर्फ्यू के दौरान घर परिवार से फोन पर बात नहीं हो पा रही है और केंद्र सरकार से मांग की है कि मोबाइल टावर वहां पर लगाए जाएं, ताकि इस तरह की आपदा की घड़ी में
अपने परिवारजनों से बातचीत कर सकें। 1970 का आ रहा हूँ यहाँ और मुझे 50 साल हो गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। बस दिक्कत इस साल हमने देखा यही कर्फ्यू लगा बीमारी की वजह से। बाकी हमें यहाँ पर राशन पानी भोजन फोने आती है हमें दुकान वालों से, ले जाओ राशन ले जाओ पैसा ले जाओ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। और जितने 28 लोग यहाँ हमीरपुर में है वो सब ठीक है बिल्कुल, मगर है अपनी अपनी जगह में। 3 घंटे का डील होता है, उसमें राशन पानी ले आते सब्जी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने 50 साल के बाद इस साल देखा ये बीमारी का। सर मेरी उम्र 63 साल हो गया। सरकार अच्छा, से भी कोई मामला है? सरकार से सेंटर की सरकार से मिल गया सर राशन हमें, सरकार गवर्नमेंट यहाँ पर वो मिल गया सर, भोजन हमें मिल गया है। टावर नहीं है सर बिल्कुल, एसटी जो था वो बंद हो गया सर, हमें बात करने का चैनल बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। और यहाँ से हम क्या करेंगे अब, ये भी हमें कोई पता नहीं है कि लॉकडाउन जब खुलेगा 14 के बाद तब क्या होगा, कैसा करना है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हम दूर के हैं कश्मीर के। और हमने फोन भी किया जगह जगह पर, वो सब बिल्कुल ठीक है जो इलाके के है। तो उसके बाद सर हमें राशन वगैरह सब कुछ है, खाना पीना सब है, हैं बस। गौरतलब है कश्मीर से करीब 250 किलोमीटर दूर गुजरान गांव में रहने वाले ये मजदूर हर साल हिमाचल में दिहाड़ी मजदूरी के लिए पहुंचते हैं, और हिमाचल में करीब 5,000 मजदूर अपने घरों से आजकल बातचीत के लिए तड़फ रहे हैं। कोरोना बीमारी की हालत में ये मजदूर अपने घर परिवार का कुशल मंगल तक नहीं जान पा रहे हैं।